मायसेल्फ प्रवीण फ्रॉम विजन रियल टेक। अभी मैं आज आया हूँ आपका एक लग्जरी अपार्टमेंट जो कि मल्टी स्टोरी है, सेक्टर 62 अपोजिट ऑफ पाइनियर पार्क एंड नियर बाय टू रैपिड मेट्रो। ये आपका हेरिटेज स्कूल के बराबर में ही है और अभी नई कंस्ट्रक्शन है पाइनियर अर्बन की तरफ से। यहाँ पे ना आपके 5 टावर्स होते हैं जो कि ग्राउंड प्लस 27 स्टोरी, ग्राउंड प्लस 21 स्टोरी, 24, 21, देन फिर 27। लो डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है, एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट है, सभी के साथ में 2 कार पार्किंग और 3 कार पार्किंग कवर्ड है। 2 अपार्टमेंट के लिए बिल्डर ने तकरीबन 3 या 4 लिफ्ट दे रखी हैं विद एवरी टावर। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे 3, 4 एंड 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ डुप्लेक्सेस हैं, कुछ टाउन हाउस हैं, कुछ पेंट हाउस हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो जी आपका 2440 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग होती है 3 बेडरूम की, और ये अपना जाता है 3 बेडरूम स्टडी, दैट इज़ 2440 2595। अगर आपको 3 बेडरूम स्टडी लेना है तो 2590 देन 2785। अगर आपको 4 बेडरूम लेना है तो 4 बेडरूम होता है यहाँ पे मिनिमम 2995 स्क्वायर फीट का, और उसी का अगर आपको एक बड़ी बालकनी वाला अपार्टमेंट लेना है तो दैट इज़ 3295। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग भी है जो टावर ए के अंदर होता है, दैट इज़ 4 बेडरूम विद लाउंज विद सर्वेंट, जिसका एरिया होता है 3890 स्क्वायर फीट का। फ्लोर प्लान्स में आपको एक अलग एरिया वगैरह मेंशन हो रहा होगा जो कि अभी की डेट में वर्चुअल नहीं है। अगर आपको 3890 का बालकनी वाला अपार्टमेंट लेना है तो उसका एरिया होगा 4337, और कुछ यहाँ पे 5 बेडरूम अपार्टमेंट भी हैं जो कि 4400 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट के सिंप्लेक्स की अगर आप बात करें तो। कुछ डुप्लेक्स हैं जो कि 6000 स्क्वायर फीट है, 7400 स्क्वायर फीट तक के डुप्लेक्स भी हैं। 60,000 स्क्वायर फीट क्लब बना रखा है बिल्डर ने जो कि काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लग्जरी है। ये बेसिकली एक ही कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बिल्डर ने 2 सोसाइटी डेवलप की हुई है, एक प्रेसिडिया है जो कि लग्जरी है और एक किराया है जो कि अल्ट्रा लग्जरी है। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है प्रेसिडिया किराए के बारे में तो प्लीज़ हमें बताएं, हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर ही रहा होगा। अभी हम आपको जो अपार्टमेंट दिखाने वाले हैं आप प्लीज़ देखकर चेकआउट करें। हेलो एवरीवन, आज हमें पायनियर प्रेसिडिया में ये जो हम आपको अपार्टमेंट दिखाने वाले हैं डुप्लेक्स है और 6 BHK विद लाउंज एंड सर्वेंट, तो प्लीज़ आप आइए दिखा। हाँ तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये इसका पाउडर रूम है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। एंड इस तरफ से किचन है जो कि अभी BHL वाली कंडीशन में है, एज इट इज ही आपको बिल्डर प्रोवाइड कराता है, कोई मॉड्यूलर नहीं है पर है काफ़ी बड़ा। एंड इस तरफ इसका सर्वेंट है जो कि अटैच है। ये इसके लिविंग डाइनिंग विद अ कनेक्टेड बालकनी जो कि काफ़ी बड़ी है, प्लीज़ अभी वही बालकनी में कोई कर लें। देन अभी हम आते हैं रूम्स की तरफ। हाँ तो ये आपका पहला कमरा है जिसमें वुडन फ्लोरिंग है, आइए। AC बिल्डर ने प्रोवाइड करा रखी है इसमें, एंड ये आपका इस तरह का सर्वेंट है, सॉरी ये वॉशरूम है अटैच है।
एंड ये वाला आपका सेकेंड रूम। पीछे इसकी जो बालकनी अटैच है, अच्छी धूप वगैरह दी है, प्रॉपर सनलाइट है। एंड जो ये वाला है, इसमें अपना कबर्ड वगैरह का अच्छा स्पेस है पहले रूम में आपके पास। एंड ये वॉशरूम एरिया है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर चलते हैं। आइए प्लीज। हाँ, तो अभी हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। पहले हम देख लेते हैं इस तरफ के दो जो कमरे हैं, बिल्कुल सिमिलर चीज़ें जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखे थे। और इस तरफ आपका लिविंग रूम लाउंज एंड हॉल है। तो ये इसका थर्ड कमरा है जो फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। सेम वॉशरूम जैसा आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, डायमेंशन वगैरह सारे सेम है। ये इसका फोर्थ रूम है। बालकनी थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पे, बाकी सारा सेम है। रूम साइज वगैरह प्रॉपर एज इट इज है। सेम कैबिनेट एरिया एंड सेम वॉशरूम, सेम डायमेंशन, कोई चेंज नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं जो उधर बचे हुए जिसके रूम्स हैं, लाउंज प्लीज। ये इसका पैसेज है। एक और रूम है जिसको हम मास्टर बेडरूम बोलते हैं। काफ़ी अच्छा डिसेंट सा साइज है इसका, साथ में एक बैल्कनी भी है और मतलब काफ़ी बेहतरीन स्पेस दे रखा है यहाँ पे कैबिनेट वगैरह के। साथ ही वॉशरूम भी अटैच्ड है जिसमें आई थिंक बाथटब भी है, इसके साथ आपको बाथटब जकूजी वगैरह मिलता है। प्रॉपर फिटिंग्स अभी प्रॉपर इसकी हुई नहीं है, सो अभी होने वाला है इसका जो काम है, रेट फिनिशिंग वाला काम जो है। साथ बालकनी देखी थी आप लोगों ने। अभी आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट रूम। एक रूम इस तरफ है जिसको आप एज गेस्ट रूम वगैरह भी बोल सकते हो, बिकॉज इसका जो एंट्रेंस है ना, ये आपका बाहर से भी होता है, तो आप लिफ्ट लेके सीधा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसको भी बंद कर देते हैं। ये इसका सर्वेंट है, सॉरी ये इसका वॉशरूम है, आप उसको प्लीज़ देख लें। और इस तरफ आई थिंक थोड़ी सी छोटी सी यूटिलिटी वाली बालकनी है।
एंड द एंड ऑफ द वीडियो मतलब मीन्स ये इन्होंने एक लाउंज बना रखा है, आप यहाँ सेटिंग एरिया वगैरह प्लान कर सकते हो, साथ में कि ओपन किचन वगैरह खोल सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे है वॉशिंग एरिया जो कि थोड़ा गंदा हो रखा है फिलहाल,